सोमवार की शाम अचानक YouTube समेत Google के कई सर्विसेज ने दम तोड़ दिया था। सर्विस के ठप होने से लोग परेशान हो उठे। हालांकि कुछ देर बाद ही YouTube और Google की सभी सुविधाएं फिर से काम करने लगी, लेकिन इस वजह से सोशल मीडिया पर YouTube ट्रेंड करने लगा। अचानक आई ये परेशानी बताती है कि लोगों के लिए YouTube या Google जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के समय में कितने जरूरी हो गए हैं। वही खबरों की माने तो दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज सोमवार शाम करीब 40 मिनट तक क्रैश रही, यानी कि ठप पड़ गई थी। इस दौरान गूगल की 19 सेवाएं बंद थी। ऐसा नहीं कि गूगल की सेवाएं सिर्फ भारत में ही बंद हुई हो, बल्कि पूरी दुनिया में गूगल की सेवाएं इस दौरान बाधित थी। वहीं इससे पहले भी 20 अगस्त को गूगल की सभी सेवाएं बंद हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक इंटरनल स्टोरेज कोटा के चलते सभी सर्विसेज बंद हुई थी, जिसके कारण YouTube और YouTube यूजर्स को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक YouTube पर 60 सेकंड में 500 घंटे का डेटा अपलोड किया जाता है, यानी 40 मिनट की परेशानी के दौरान इस सर्विस पर 20,000 घंटे का डेटा अपलोड नहीं हो पाया। इस दौरान करीब 50 करोड़ यूजर्स ईमेल भी नहीं भेज सके। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:26 से लेकर शाम 6:06 तक YouTube और Google की सभी सेवाएं बंद रही, जिस कारण YouTube को काफी सारे नुकसान उठाना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक YouTube को इस दौरान करीब 9.41 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। YouTube एक मिनट में करीब $32,000 यानी करीब 23.53 लाख रुपए कमाता है। बता दें कि दुनिया भर में YouTube के करीब 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि YouTube आज से 15 साल पहले यानी 2005 में शुरू किया गया था। वहीं 24 अप्रैल 2005 में YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया गया और Google ने इसे नवंबर 2006 में खरीदने का फैसला किया था। आज Google के बाद YouTube दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। D3 न्यूज़।